हेलो एवरीवन, कैसे हो? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, साक्षी सभ्यता ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं और मेरी सिस्टर, तीनों हम सिस्टर मिलकर आए हुए हैं मार्केट। और यहाँ पर एक थोक की दुकान है दोस्तों, यहाँ पर इकट्ठा सामान मिलता है और सस्ते दामों पर मिल जाता है। फिरोजपुर में ये न्यू खुली है, न्यू दुकान है दोस्तों, और बहुत ही अच्छा क्वालिटी का सामान मिल रहा था। जो मार्केट में 50-50 रुपए की डिब्बी मिलती है चूड़ियों की, वो यहाँ पर 25 रुपए में मिल जाती है। और यहाँ पर मैं चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ दिखा रही हूँ आपको। यहाँ पर कितनी सारी चूड़ियाँ हैं आप देख सकते हो। यहाँ की मतलब इतना अच्छा व्यू भी आ रहा है, और बहुत अच्छी मतलब दुकान पर सामान था। और मेरी दोनों बहनें, पूजा है और एक मुझसे बड़ी मेरी दीदी है, वो लगी हुई है सामान खरीदने में। और यहाँ पर मतलब इतने सारे कस्टमर बैठे हुए थे, सारे ही सामान खरीद रहे थे। और हमें हो गई थी रात दोस्तों, बाज़ार में आए हुए थे, शाम हो गई थी। और ये देखिए, ये दुल्हनों वाला सेट है, और इसे कोई भी साड़ियों पर या कोई भी लहंगे पर पहनोगे तो सब पर चलेगा। बहुत ही प्यारा सेट था दोस्तों, मात्र 400 रुपये में, बहुत ही सुंदर था। और यहाँ पर हम और सामान कुछ खरीदने लग गए चूड़ियाँ लेने के बाद। काफ़ी मतलब आप यकीन नहीं करोगे, ऐसा मन करता है सारा सब कुछ खरीद लाएं। और बहुत ही प्यारा प्यारा सामान यहाँ पर मिलता है, और आपको बता नहीं सकती दोस्तों, आप खुद ही देख सकते हो। और यहाँ पर आ गए हैं हम घर, और जो चूड़ियाँ हम लेके आए थे वो ये पूजा पहन कर सेट बनाकर दिखा रही थी। और मैं दोस्तों मेहंदी कलर की चूड़ी लेके आई थी, मेहंदी कलर की मेरी साड़ी थी। और हाँ दोस्तों, आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, जिससे मुझे और मतलब अच्छा लगे कि मैं वीडियो ठीक से बना पाती हूँ या नहीं बना पाती। और ये देखिए किस तरह से ये मतलब वीडियो में बता रही है चूड़ियाँ पहनकर, और बहुत ही प्यारी लग रही थी दोस्तों। मेहंदिया कलर की चूड़ी बहुत ही सुंदर लग रही थी। और यहाँ पर मैं कई मुझे कई दिन हो गए हैं वीडियो डाले, काफ़ी दिन हो गए थे, काफ़ी टाइम मतलब दोस्तों, बच्चों की तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है, इसीलिए वीडियो मैं ठीक से नहीं डाल पा रही हूँ। और ये देखिए जो इसमें आगे पीछे कड़े लगे हुए हैं दोस्तों, ये भी कम दाम पर दुकान पर मिल जाते हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे खड़े हैं। और चूड़ियों में भी मैच हो गए थे ये, और इसीलिए ये पहन कर दिखा रही थी कि मुझे पहनने के बाद कैसे लगेंगे। और मैं अपनी मेहंदी कलर की साड़ी खरीद कर लेके आई थी। When you ring my valentine, 돌아 इसको बहुत ज़्यादा शौक है मतलब मेकअप करना, फैशन करना, और ये चूड़ियाँ वगैरह पहनना, इसीलिए मैंने इसी को पहना कर दिखा रही हूँ आपको चूड़ियाँ। और यहाँ पर दोस्तों, और ये बाबू नहीं बनाने दे रहा, देखो ये सबसे पहले बैठेगा मेरी गोद में आकर, ये सबसे पहले मुझे राय करो पहले तो। आए कर दो, कैसे हो? ठीक हो? एक सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो को सब्सक्राइब करो, जल्दी बोलो बोलो। अब ये बोलने लग गया है दोस्तों, ये छोटकू सा बापू बोलने लग गया है। मैंने इसकी वीडियो काफी टाइम पहले छोड़ी थी ना, तब ये बहुत छोटा था, अभी बोलने लग गया है। और बोलता भी ऐसे बड़ा फास्ट, और इतना तेज दिमाग इसका, इतना माइंडेड। अब देखो गोदी में आती मम्मा भू मम्मा भू मम्मा भू, बस एक ही बात बोलता रहता है, एक ही बात रटता रहता है इसको। ये देखो इसको कितना बड़ा हो गया, ये अभी मम्मा का दूध पिएगा क्या ये? हेलो,
पहले बात करो, पहले बात करो, दोस्तों से बात करो, दोस्तों से बात करो। दोस्तों ठीक हो? ठीक हो? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो? दोस्तों को लगा हुआ है जुकाम, और जुकाम भी इसके बहुत ज्यादा है, और पर मैं इसको अंडे की दवाइयाँ कोई भी नहीं दिला रही हूँ, बस मैं इसको एक अमृतारिष्ट है, आपको अगर सर्दियों में अपने बच्चे बताने हैं तो डाबर की अमृतारिष्ट या फिर बैद्यनाथ की अमृतारिष्ट बच्चों को जरूर दें, और मतलब 2 साल तक के बच्चों को एक ढक्कन छोटा वाला जो उसका ढक्कन लगा होता है वो, और दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे बहुत ज़्यादा पावरफुल है वो, बहुत असरदार है, बहुत जल्दी उसे आराम मिलता है बच्चों को। इसके इतना भयंकर जुकाम था, कल हुआ था और आज अब तक मतलब बहुत कम हो गया है जुकाम। इंग्लिश दवाइयाँ दोस्तों बच्चों को बहुत नुकसान करती हैं, हाँ पहुँचाती हैं, इसीलिए बच्चों को इंग्लिश दवाई नहीं देनी चाहिए। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ गोभी की सब्जी, गोभी की सब्जी बना रही हूँ दोस्तों, और शाम हो गई है, शाम के 5 बज गए हैं, इसलिए मैं सब्जी बना रही हूँ, क्योंकि मैं करूँगी योगा। सब्जी पहले मैं जल्दी बना लेती हूँ जिससे मैं योगा अच्छे से कर लूँ, रात हो जाती है, फिर योगा करने में टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो मैं सब्जी जल्दी बना लेती हूँ, और योगा हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, ये तो आपको पता ही होगा। क्या है? नहीं आप खा लो, ये पूछने आई थी दोस्तों कि ये बड़े पापा के केले हैं, नहीं बच्चों के लिए केले लेके आए थे, और हाँ मैं क्या बोल रही थी, योगा हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, अगर जो ये आजकल की लाइफ स्टाइल है बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, देख वो गिरेगी साक्षी बैठ उधर कर दे, बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, इसीलिए योगा हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों मेरे 3 से 4 दिन हो गए हैं और मैं योगा करती हूँ, फिट रहती हूँ, और मैं 10 मोलारिष्ट भी पीती हूँ, और इसीलिए मेरा मोटापा नहीं बढ़ता है, उससे 10 मोलारिष्ट अच्छी होती है लेडीजों के लिए, और आंवला जूस, एलोवेरा जूस, और मैं शहद में एक गर्म पानी में, सॉरी गर्म पानी, एक गिलास गर्म गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद डाल के सुबह शाम पीती हूँ, जिससे मैं बहुत एनर्जी फील करती हूँ, फिट रहती हूँ, और मोटापा भी नहीं आता है दोस्तों। और मैं आपको पूरी कोशिश करती हूँ मैं आपको वीडियो बनाने की, मैं ज़्यादा वीडियो इसलिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि अभी मेरे फ़ोन में गिलास भी और इसका कवर वगैरह भी नहीं है, जिसकी वजह से अगर ये फ़ोन गिर गया तो ये टूट जाएगा, और आपको पता है फ़ोन का नहीं है, इसलिए तो मैं पहले आज इस पर कवर लगवाऊँगी, और इसका जो गिलास है वो लगवाऊँगी, और फिर रेगुलर वीडियो बनाऊँगी। अब तो मैं थोड़ी थोड़ी आपको बताती रहती हूँ मैं क्या चल रहा है, मैं क्या नहीं चल रहा है, और यहाँ पर मैंने वॉश कर लिया है, शाम के टाइम में कुछ भी नहीं लगाती, लिपस्टिक वगैरह हटा दिया दोस्तों, जो मैट लिपस्टिक होती है मामा अर्थ की यूज करती हूँ, लेकिन फिर भी ये थोड़ी 12 घंटे बाद ऐसे हो जाती है ना, तो हटा दी थी, काफ़ी टाइम लगातार मुझे रोज़ाना में इतनी आदत नहीं है लिपस्टिक लगाने की। और दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये देखिए दोस्तों मेरे चक्कू कितना बड़ा है, और मुझे इसी चक्कू से सब्जी काटना अच्छा लगता है। आप ये मत सोचना कि इससे कोई नॉन वेज वगैरह काटा जाता है, हमारे घर में अंडे भी नहीं आते, नॉन वेज की तो बहुत दूर की बात है, तो ये चक्कू मतलब क्या लग गई, हाँ, गिर गई थी, कहाँ पे गिर गई, अकेले आई थी जब गिर गई थी, तू अकेले क्यों आई थी, तो कैसे चलती है जो गिर जाती है बाबू, कैसे चलती है जो गिर जाती है, मुझे बता कैसे चलती है, मैं तो अच्छे से चलना जब गिर गई है, अब तू कल से नहीं आएगी, ठीक है, मेरा फोन नंबर ले लीजिए, देख कितना छिल गया है, कौन सी जगह गिरी थी, जाम पे तो संकेत डाली है, अबे ना ऐसा करियो मेरा फोन नंबर ले जाइयो, वहाँ पे मैडम को फोन करके ये बोल देना कि मेरे को लेने आ जाओ, ठीक है, और कल मैं छोड़ने जाऊंगी तो मैं मैडम को बोलाऊंगी, ओके okay. और तू फीस नहीं पूछ के आई, कितनी फीस हो रही थी, हैं
तीस है कि 300 है बाबू, ये तो बताओ दोस्तों। इसे नहीं पता मतलब ये यूकेजी में है ना, वैष्णवी अभी ये यूकेजी में है, इसको नहीं पता कि मेरी फीस कितनी है। हम बोलते हैं रोजाना अपनी ट्यूशन वाली मैम से फीस पूछ के आए, लेकिन ये बोलती है कि मेरी फीस 30 रुपये है। आप इससे ये पूछो 30 रुपये आज के ज़माने में आता क्या है जो उसकी फीस 30 रुपये होती है। अब मैं इससे बोल रही हूँ अपना मैम का फ़ोन नंबर लेके आना, या फिर कल मैं इसको छोड़ने जाऊँगी ट्यूशन, तो मैं पूछ के आऊँगी इसकी फीस कितनी है। देखो वो कॉपी किताब फाड़ ही देगी चप्पो। और मैं फटाक से बना लेती हूँ सब्जी, जिससे मैं जल्दी से योगा कर सकूँ अपने टाइम से, और मैं अपना वेट घटा सकूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम बीच में मैंने योगा छोड़ दिया था। जब ज़्यादा गर्मी होती है तो योगा करने का मन नहीं करता है दोस्तों, इसीलिए। और मैंने अब रेगुलर 6-7 दिन से स्टार्ट कर दिया है। आप यकीन नहीं करोगे दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ। मेरे यहाँ पर अंगूठे पर ये देखिए, ये अंगूठे पर ऊपर की साइड ये हो गई थी इतनी मोटी, पता नहीं नस फूल गई थी ये, और ये काफ़ी मोटी हो गई थी दोस्तों, इतनी मोटी हो गई थी। तो ये मैंने इसमें कोई अंग्रेजी दवाई नहीं करवाई थी, मैं दिखाने तो गई थी अलवर, लेकिन मैं दिखा के नहीं आई, क्योंकि मुझे अंग्रेजी दवाई लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैंने ये योगा से ही ठीक किया, इतनी पावरफुल हेल्दी, मतलब योगा इतना अपने आप में इतना वो है कि कोई भी बीमारी को हम आसानी से ठीक कर सकते हैं दोस्तों, बहुत जल्दी ठीक कर सकते हैं। इसीलिए आप भी योगा अपनाएं, और मेरी वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें मेरी वीडियो कैसी लगती है दोस्तों। और अब मैं जल्दी से बना लेती हूँ सब्जी और मिलते हैं उसके बाद आपसे। और यहाँ पर दोस्तों मैं आ गई थी ऊपर छत पर, और मुझे जल्दी ही योगा करना था। और ये देखिए, ये है वैष्णवी की फ्रेंड, दोनों जुड़वा है दोस्तों। आप देखकर यकीन नहीं कर सकते कि ये दोनों अलग अलग बहनें हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल सेम शक्ल मिल रही है, और कपड़े एक जैसे पहनती हैं दोस्तों। और आपको मेरी वीडियो पसंद आ